हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे स्पेशली हमारी मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में हमें बैक टू बैक काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही है, जिसे हम रेगुलरली डिस्कस भी करते आ रहे हैं। तो मार्केट अब ऐसी सिचुएशन पर आ चुका है जहाँ पर या तो मार्केट आर होने वाली है या पार होने वाली है, और कैसी रहेगी मार्केट की नीयत उसे हम डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, ख्याति ग्लोबल वेंचर्स की, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और कल के दिन होने वाली है दो दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्टडी, उन पॉइंट्स को भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले एफआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो वहां पर डीआई ने 1345 करोड़ की बाइंग करी है और वहीं पर एफआई ने 8300 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआई की तरफ से काफी बड़े बड़े फिगर्स हमें रेगुलरली सेलिंग के देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में थोड़ी सी कॉशियसनेस काफी ज्यादा फैली हुई है, जिसका रीजन आप सभी को मालूम है क्योंकि पैसा एफआई का ट्रांसफर हो रहा है चाइना की मार्केट में। अगर आप लोग भी चाहते हो कि चाइना में आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हो और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। बीके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, हम आपकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे चाइना में इन्वेस्ट करने की। और इंडिया में भी अगर आप लोग चाहते हो कि हम आपकी हेल्प करें बीके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, तो आपकी वहां पर भी पूरी की पूरी हेल्प हो जाएगी। हाँ, बट रेगुलरली अगर एफआईएस की तरफ से हमें सेलिंग देखने को मिल रही है, तो वहीं पर डीआईएस की तरफ से भी हमें रेगुलरली बाइंग देखने को मिल रही है। बट अगर ये रेगुलरली बाइंग डीआईएस की तरफ से ना आती, तो आप खुद सोच लो कि इंडियन मार्केट इस टाइम पे कहां पर होने वाली थी। हाउ एवर, अगर हम सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं ख्याति ग्लोबल वेंचर्स की, तो मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए मैं इजिली इस आईपीओ को भी अवॉइड करने वाला हूँ। ये मेरा फाइनल डिसीजन होने वाला है। जब तक मार्केट का मूड बहुत अच्छा नहीं हो जाता, तब तक के लिए स्पेशली मैं एसएमई आईपीओ को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा, प्रोवाइडेड दैट कि वो आईपीओ काफी ज्यादा अच्छा हमें देखने को ना मिल रहा हो। और थोड़ा सा मिलना है आईपीओ में ध्यान से काम करते हुए अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही काम करने की कोशिश करूंगा। बट आप लोगों को क्या होने वाला है इस आईपीओ में डिसीजन, वो आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा और अपने डिसीजन को कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली दो दो एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग शुभम पेपर्स एंड पैरामाउंट डाइव टेक की, पर्सनली मैंने इन आईपीओ को भी अप्लाई नहीं किया था, बट आप लोगों को मालूम है कि मेरी हर एसएमई आईपीओ में लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसे वो आईपीओ लिस्ट होते हैं, मैं वहां पर इमीडिएटली बुक करने की कोशिश करता हूँ, स्पेशली प्री ऑर्डर में, क्योंकि वहां पर हमें जल्दी एसएमई आईपीओ में सर्किट देखने को मिल जाता है, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, क्या लगना कंफर्म है, कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगेगा किसी को भी नहीं मालूम। अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती, हमें मजे ही मजे आते, लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर लोअर सर्किट लग गया, फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा एग्जिट भी नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। जैसे कि आज के दिन हमें साज होटल 15% डिस्काउंट में खुलते हुए देखने को मिला, एक बार के लिए वहां पर लोअर गया फिर अपर गया, बट फिर से वहां पर लोअर सर्किट लग चुका था, जिसकी वजह से अगर हमने वहां पर एग्जिट नहीं किया तो हमें फिर से दिक्कतें होने वाली हैं जब तक वो सर्किट फिर से नहीं खुल जाता है। और वैसे भी मेरा माइंडसेट हमेशा लिस्टिंग गेन का होता है एसएमई आईपीओ में या मेनलाइन आईपीओ में भी, उसके बाद वो आईपीओ कहाँ जाता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, आता रहता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम था लिस्टिंग गेन लेना, मिला तब भी ठीक, नहीं मिला तब भी ठीक, मैं एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। बट ये मेरी पर्सनल लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है जो मैंने एजुकेशन पर्पज स्टडी करने की कोशिश की है। आप लोग अपने रूल्स, अपने माइंडसेट और अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ही बनाइएगा। अब अगर हम हमारी बात करते हैं मार्केट की, तो जैसा कि हमारी कल की वीडियो में बात हुई थी कि ये वाला लेवल 24,765 का जो इम्पोर्टेंट हो जाता है 50 की मूविंग एवरेज का, वहां पर मार्केट में हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है और एक छोटा सा ही बाउंस देखने को मिला ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का, जैसे हुई थी डेडिकेट बाउंस की वैसा में देखने को नहीं मिला है। फिर जहां पर ये हमारी स्पोर्ट तोड़ी, लेकिन यहाँ पर एक पुरानी स्पोर्ट थी जो हमने कल के दिन स्टडी नहीं करी थी, बट वहीं से इसने स्पोर्ट पकड़ी और फिर से बाउंस देखने को मिला और वहां से भी हमें ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का बाउंस देखने को मिल चुका था। हाउ एवर, अगर हम डेली कैंडल चार्ट पर चलते हैं तो वहां पर आप चेकआउट कर सकते हैं बैक टू बैक कैसी कैंडल्स हमें देखने को मिल रही है, सारी की सारी बैड कैंडल्स होने वाली है, जहां पर तो हमें हायर विक्स भी देखने को मिली और जहां पर तो हम ऑलमोस्ट बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बोल सकते हैं। हाउएवर, हमें हल्की फुल्की विक देखने को मिल रही है बोथ साइड,
अब मार्केट एक ऐसे लेवल पर आ चुका है जो आप जब पार वाली स्टेशन पर होने वाला है, मतलब कि अपनी फाइनल स्पोर्ट पर आ चुका है। और ऊपर से कल के दिन आने वाले हरियाणा के इलेक्शंस के रिजल्ट और परसों के दिन होने वाली आरबीआई की पॉलिसी, तो जहां पर हमें बैक टू बैक इवेंट डे भी देखने को मिलने वाले हैं। और ऐसे जब भी इवेंट डे होते हैं हम वहां पर जल्दी काम भी करते हैं, स्पेशली ऑप्शन बाइंग में। पर्सनली मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करता हूँ ऑप्शन बाइंग में, चाहे इवेंट डे हो चाहे ना हो, बट फिर भी एक रूल हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग स्ट्रिक्ट बना हुआ है कि जब भी इवेंट डे होगा हम उस दिन कोई भी काम नहीं करेंगे। फिर भी अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, कल का दिन चलेगा इसके ऊपर किस तरीके से आते हैं वहां पर रिजल्ट, उसके बेस पर हमें मार्केट में एक्शन होते हुए देखने को मिल जाएगा। बट अगर मार्केट 24,696 यानी कि आज के दिन का लो तोड़ता है, तो वहां पर हमें 24,400 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे जो इसकी 100 की मूविंग एवरेज होने वाली है। क्या डेफिनेटली मिलेंगे? डेफिनेटली कुछ भी नहीं हो सकता, बट वहां पर हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है और जहां तक के लेवल खुल जाते हैं, एक्चुअली लेवल तो इसके जहां तक के खुल जाएंगे, बट एक बार के लिए वहां पर 100 की मूविंग एवरेज स्पोर्ट का काम करना चाहे तो कर सकती है और जहां से हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। बट अगर हमारी कहीं पर भी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है फिर तो मार्केट कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगी वो हम कोई भी आइडिया नहीं लगा सकते हैं और वहां पर हमारा कोई भी काम करना नहीं बनता है बेस्ड ऑन द लेवल्स। हमारे लिए कल के दिन हमें हमारी स्पोर्ट पर ही ध्यान देना पड़ेगा, उसके अलावा मैं पर्सनली कोई भी ध्यान नहीं देने वाला हूँ। फिर भी अगर हमारी एंट्री कहीं पर भी होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। बट हमने जहाँ पर चीजों को सिर्फ एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो या कोई भी एक्शन लेना हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।